आप देख सकते हैं यहाँ पर बुद्ध जयंती सेलिब्रेशन और थाईलैंड से, म्यांमार से, ताइवान से बच्चे भी यहाँ पे आए हैं। देख सकते हैं ये बच्चे अलग अलग देशों से यहाँ पे आए हैं। यहाँ बुद्धगया के भी कुछ बच्चे हैं और एक बड़ा प्रोसेशन जो है, एक बड़ी रैली जो है, म्यांमार के लोग आप देख सकते हैं, म्यांमार से भी एक बड़ी रैली निकली है और एक बहुत बड़ा आज के दिन सुबह से ये जो है 7 बजे से रैली निकली थी और सारे लोग जो है अभी बोधगया के महाबोधि टेम्पल जो है उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। अलग अलग देशों से जो लोग हैं अपनी झांकियां लेके, म्यांमार से हो, थाईलैंड से हो, ताइवान से हो, अलग अलग देशों से वहाँ के बुद्धिस्ट नंस भी हैं, वहाँ के उपासक भी हैं, वो यहाँ पे आए हैं। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे समता सैनिक दल गया बिहार के भी लोग यहाँ दिख रहे हैं, बोध गया बिहार से समता सैनिक दल के लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैत्री चैरिटेबल ट्रस्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पे, ये भी स्कूल के बच्चे हो गए शायद। स्कूली बच्चे भी हैं जो यहाँ पे शामिल हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं इस प्रोसेशन में, इस रैली में।
बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर आज हम बोधगया में हैं और बोधगया में आप देख सकते हैं कि हजारों लोग यहाँ पर देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पे आए हैं। अरे भाई कैमरा शुरू है। विभिन्न प्रांतों से यहाँ पे आए हैं और हमारे बीच भंते जी है जो मैनपुरी से है। भंते जी, आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व है, आप भी बोधगया में हैं, हम भी बोधगया में हैं, क्या संदेश है आपका? आज बुद्ध पूर्णिमा है, तथागत भगवान बुद्ध की आज के दिन तीन घटना घटी थी कि भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनके बाद उनकी संस्कार मृत्यु हुई थी। तो तीन घटना है, तो आज के लोग संसार इंडिया के नहीं संसार के बौद्ध यहाँ रहे हैं, सवेरे पूजा करेंगे शाम को और ध्यान साधना करेंगे और उसके बाद 11 बजे यहाँ कालचक्र भोजनदान होगा और शाम को यहाँ कालचक्र मैदान में विशाल समारोह होगा जिसमें अखिल भारतीय भिक्षु महासंघ के अध्यक्ष भंत्यानंद जी होंगे प्रमुख। अच्छा, तो यहाँ पे केवल हम देख रहे हैं कि इस बार महाराष्ट्र से नहीं बाकी दुनिया के भी अलग अलग देशों से लोग आए हैं, भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग आए हैं, ये क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखो, ये हम 92 से जब आंदोलन चला रहे थे तब यहाँ पर विदेश के लोग हमारे आंदोलन शामिल नहीं होते थे, तो अब धीरे धीरे चलते चलते यहाँ टेंट भी नहीं लगता, खाने व्यवस्था भी नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे कालचक्र यादव ने इसको कार्यक्रम किया, खाने व्यवस्था गई, फिर धीरे चलते बिरला धर्मशाला में खाना होने लगा, उसके बाद अब खाना चलता हमारे कालचक्र में कमेटी ऑफिस की तरफ चलता है, 10,000 आदमी खाने व्यवस्था होती है। अब जो जो बौद्धों की संख्या बढ़ रही है, मतलब है जो जो व्यवस्था हमारी बढ़ रही है, पुलिस प्रशासन हमको सहयोग कर रहा है, हर तरीके से DM भी सहयोग कर रहा है, सब लोग है, इससे व्यवस्था चल रही है। और आज की दिन है श्रीलंका है, थाई है, बर्मा है, कोरिया है, सब लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। बाकी प्रदेशों से भी लोग आ रहे हैं? हाँ, पूरे इंडिया, देखो आपका थाईलैंड के लोग भी आ रहे हैं और आपका श्रीलंका से लोग भी आ रहे हैं, भारत के अंदर से कहाँ कहाँ? भारत है, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बम्बई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं और विदर्भ संघ महाराष्ट्र में है वहाँ से लोग आ रहे हैं और इम्फाल आ रहे हैं, गुवाहाटी से आ रहे हैं, मतलब पूरे इंडिया के लोग धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध के जीवन से क्या संदेश, क्या प्रेरणा लोगों को लेनी चाहिए आज के दिन? भगवान बुद्ध के जीवन से हर व्यक्ति को पंचशील का पालन करना चाहिए और जो पंचशील का पालन करे उसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। जैसे पहला शील है पाणाती पातव सिक्कम समाप्त, जीव हत्या नहीं करेंगे, जब जीव हत्या नहीं करो तो तीस दो केस नहीं लगेगा। और दूसरा अदिन्ना दाना भी सिक्कम समान है, हम चोरी नहीं करेंगे, चोरी नहीं तीस चोर केस नहीं लगेगा। फिर तीसरा है कामेश विच्छा चारा बिरुषिकम समान है, हम जो है व्यवचार नहीं करें तो 376 नहीं लेगा, हम रही मासाराम बापू नहीं बन पाएंगे। उसके बाद है मूषा बिकम, हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चार से बीसी धोखाधड़ी नहीं होगी, सुरा मेरे मज्जे पमादे ठाना शिकम, हम बीड़ी सिगरेट नशीली का प्रयोग नहीं करेंगे तो हमारा बुद्धि अच्छा होगा। इसलिए हम बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि भगवान बुद्ध का एक शील को पालन किया है, सुरा मेरे मज्जे पमा दे ठाना विश्वकर्म बंद कर दिया। हाँ, ये पूरी तरह से बंद कर दिया है, तो बंद कर दिया है, इससे बड़ी सुख शांति है, सुख शांति है। हम कह रहे वैसे बौद्ध धर्म का स्तंभ है, बाबा साहब ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो भारत में भिन्न भिन्न लोगों ने जिसके दिमाग को लिख डाला, लेकिन हमारा मकसद ये है कि भगवान बुद्ध के पंचशील को ही मान लो तो हमारा जीवन कल्याण हो जाएगा। बुद्ध के पंचशील को मान लो तो आपके जीवन उन्नत हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, ऐसा भंते जी ने कहा है। भंते जी, आपने हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, कसं वाटते झाल्यानंतर? चांगलं वाटते, अकोल्यावरून आलो, अकोल्यावरून आले, बुद्धाचे कोणते विचार तुम्ही आचरणामध्ये आणता? लोणार इथे इतक्या लांब तुम्ही आले, लोणार मेकर बुलढाणा, लोणार मेकर बुलढाणा, नालंदा से बाजू से ही है। हाँ जी। पहली बार आए, कैसे आए? मैं तो सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आए, कैसे लगता है आने के बाद आपको? नहीं, अच्छा लग रहा है, आज बुद्ध पूर्णिमा के आने से काफी अच्छा लग रहा है।
क्या थॉट्स अपने अपने जो लाइफ में लाते हैं बुद्ध से? नहीं, उसका टीचिंग स्पेशली तो राइट थॉट राइट एक्शन है उसके वजह से भी, और माइंडफुलनेस उसको उसका टीचिंग्स वगैरह है, एक फिलॉसफी है उसका, और एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है उसके कारण से भी प्रैक्टिकल लाइफ में उससे बेनिफिट होता भारतवर्ष से हर स्टेट से हम लोग कुछ कुछ लोग आए हैं, और हम लोग अपने जो हम लोग के गुरुजी हैं ठाकुर दिलीप सिंह जी, उनकी प्रेरणा से आए हैं, क्योंकि उनका एक संदेश है कि बुद्ध ने एक शांति का संदेश दिया था दुनिया को, और हम लोग भी शांति के हम लोग भी शांति चाहते हैं पूरे देश में, और हम लोग ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भी जो बुद्ध धर्म है जैसे उनके अनुयायी हैं, हमारे जो सिख धर्म के अनुयायी हैं, हम लोग मिल कर रहना चाहते हैं देश में, हम लोग चाहते हैं चूँकि बुद्ध जो हैं वो सबके थे, और तो हम लोगों को उनके साथ मिलकर चलना है, और समाज में हम लोग एक आपसी सद्भाव के भाईचारे में रहना है, यही हमारे गुरुजी का संदेश है। उनके आग्रह पर, सदगुरु दिलीप सिंह जी के आग्रह पर हम लोग सारे लोग यहाँ पर पहुँचे। हम लोग पूरे देश प्रदेश से यहाँ पे लगभग 100 लोगों का जत्था आया है नामसारी सिख संगत का, और सदगुरु दिलीप सिंह जी हमारे ठाकुर दिलीप सिंह जी परम पूजनीय गुरु जी हैं, और उनके आदेश और उनके प्रेरणा से यहाँ हम लोग आए हैं, और हम लोग का ये संदेश है कि चूँकि भारतीय जो हमारा भारत देश है, इस देश की मिट्टी से चार धर्म उपजे हैं, बौद्ध हिंदू जैन सिख, ये चारों की परंपराएं में बहुत समानताएं हैं, बहुत मेल खाती हैं, हमारी संस्कृति एक है, तो हमें मिलकर रहना चाहिए क्योंकि एकता ताकत है और विभाजन कमजोरी है। तो इस संदेश को हमारे सदगुरु जी हमारे माध्यम से ये देना चाहते हैं कि देश और समाज में हम लोग मिल के रहें, एकता के साथ रहें और शांति के साथ रहें, और इस संदेश को पूरे विश्व में हम लोग मिल के फैलाएं ताकि एक मजबूत भारत और एक शांति प्रिय विश्व की स्थापना मजबूती से की जा सके, और समाज हमारा परस्पर प्रेम के साथ भाईचारे के साथ आगे बढ़े। Yeah.
सुजात समता सैनिक दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अम्बेडकर व्यवहार रानी झांसी रोड नई दिल्ली 55 से। आज हमारी जो पूरी टीम है समता सैनिक दल की, भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती के पावन पर्व पर इधर बोधगया में सेवा के लिए आए हैं और हर वर्ष आते हैं यहाँ पर। तो हम भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती की सभी देशवासियों को मंगल कामनाएं देते हैं। सभी लोग सुखी हो, दीर्घायु हो, मंगल हो और बुद्ध के बताए हुए मार्ग 30 साल पंचशील का अनुसरण करेंगे तो निश्चित ही ये जो देश है वो आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं और ये एक ऐसा ऐतिहासिक पर्व है। आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, आज ही के दिन परिनिर्वाण हुआ और आज ही के दिन बुद्ध पूर्णिमा को उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ऐसे शख्सियत जो आज भारत के लोग बेशक कम मान रहे हैं लेकिन दुनिया के तमाम 40-45 देश भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का काम कर रहे हैं और उन लोगों को देखिए, क्योंकि ये वैज्ञानिक धर्म है, इसके पंचशील का जो सिद्धांत है, पंचशील के सिद्धांतों पर चलेंगे तो निश्चित रूप से उपासकों के लिए और उपासिकाओं के लिए तो यही काफी है कि जो पंचशील का सिद्धांत है उस पर जब चलने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो देश है आगे बढ़ेगा। मैं समता सैनिक दल का अध्यक्ष होने के नाते सभी देशवासियों को पुनः भगवान बुद्ध की 2568वीं जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।